नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुरेश झा। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल ने पूरे देश में तबाही मचा कर रखी हुई है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी है कि कोरोना काल के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर ऐसे में अगर आप पूरी फीस लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद एक्सपर्ट हैं मीनाक्षी सोलंकी, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, तो ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सुनने में आ रहा है कि पूरी फीस मांग रहे हैं या ले रहे हैं, जो तो क्या उनको पूरी फीस लेने का हक है? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों, सभी स्कूल्स को इस समय की नज़ाकत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। ये एक ऐसा समय है जिस समय प्राइवेट स्कूल की मनमानी के बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते रहे हैं और इस तरह के मामले आते रहे हैं कि हाँ, जगह जगह, ये नहीं, अब अक्रॉस द कंट्री हमारे पास इस तरह के मामले आते रहते हैं। कभी किसी स्कूल ने ये किया, कभी स्कूल ने वो किया। अभी भी सभी स्कूलों के साथ ऐसा नहीं है कि सभी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं या पूरी फीस ले रहे हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत सारे स्कूल्स के बारे में जानती हूँ जहाँ पे स्कूल्स ने आधी फीस कर दी है, और क्योंकि बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, सारा बर्डन आज की डेट में पेरेंट्स पे हैं, पेरेंट्स पढ़ा भी रहे हैं। और ऐसे समय में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो लॉकडाउन के कारण से जो बेरोज़गार हुए हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया देखने का बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्ट में सुप्रीम कोर्ट देखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम एजेंसी है जिसको अपने देश के प्रत्येक नागरिक को का ध्यान रखना है। इनकी इस जजमेंट के पीछे इसका कारण यही है कि वो हर किसी को देख के चल रहे हैं, और जैसे बहुत सारे पेरेंट्स की जॉब चली गई है तो ऐसे समय में अगर वो अपनी सेविंग्स से भी निकालेंगे तो कोई भी स्कूल ये अधिकार नहीं रखता कि वो पूरी की पूरी फीस ले, और ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जब वो पूरी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जितनी भी सुविधाएं हैं बच्चे उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, ना उनकी प्रयोगशालाओं का यूज़ हो पा रहा है, ना प्लेग्राउंड्स का, तो उस पर आने वाली कॉस्ट भी अपने आप कम हो रही है। तो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन इस मामले में दिया है। बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, यही कहा कि कोरोना काल के दौरान जब तमाम लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी जान की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे में कोई भी स्कूल का कोई ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, प्लेग्राउंड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनकी जो लैब है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में पूरी फीस तो बनती ही नहीं है। नहीं, किसी भी लिहाज से इस समय पूरी फीस नहीं बनती है। यदि कुछ स्कूल्स इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं या अपने स्वार्थों के लिए इस समय माँ बाप पे प्रेशर डाल रहे हैं तो ये बहुत, मतलब किसी भी तरीके से नाजायज़ है। लेकिन बताए कि स्कूल को लेके जो सुप्रीम कोर्ट को ही कहना पड़ा है, लेकिन कहने के स्कूल की भी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोरोना काल के दौरान, वो खुद जो आगे बढ़ के, ये इस समय कमाने का नहीं, काम आने का समय है। जी जी, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कमाने का समय नहीं, ये काम आने का समय है। मगर देखिए, समाज है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष समाज के होते हैं। जब कुछ स्कूल्स ने इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, उन्होंने लोगों को एक तरीके से टॉर्चर ही करना है, उन्होंने इस समय पे इस तरह के नाजायज़ एक्ट कर रहे हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट को आगे आके डिसीजन लेना पड़ा है। और मुझे लगता है कि स्कूल्स को इस तरह की स्कूल्स जहाँ नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, हम अपने बच्चों को स्कूल इसीलिए भेजते हैं, या स्कूल की नैतिक, जो भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को एक मतलब आइडियल स्थापित करें इस समय में, इस समय पे ओवर प्रेशराइज पेरेंट्स को ना करें, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी ओवर प्रेशराइज हैं। अगर वो फीस से नहीं तो वो कहीं ना कहीं, जो पेरेंट्स जा रहे हैं जॉब कर रहे हैं, वो लोग अपने बच्चों को उतना टाइम किसी तरह से स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं, ऑनलाइन में बच्चों के साथ बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो ये पूरे समाज, ये समाज को, ये जो कोरोना वाला समय है, ये एक यूनिक सिचुएशन है जो अभी तक कभी भी स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश ने नहीं देखी थी। आपके बच्चे हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं, देखा, मनमानी बहुत हद तक बढ़ जाती है, इस पर कहीं ना कहीं कोर्ट को सामने आना पड़ता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आना पड़ा, कई बार हाई कोर्ट को सामने आना पड़ा है।
इन स्कूलों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, कहाँ लगती कमी आपको? जो देखिए इस मामले में क्योंकि सुप्रीम एजेंसी ने दखल अंदाजी की है, तो ऐसा नहीं है कि सभी स्कूल ऐसा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के में अलग अलग तरीके से सरकार ले रही है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बनती है। जैसे कि हमारे देश में देखिए राजधानी में शिक्षा के मामले में सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल ने अदरवाइज जाके, क्योंकि अगर कोई स्कूल जा भी रहा है कुछ गलत कर रहा है तो कंप्लेंट किसी भी सरकार का, किसी भी राज्य की सरकार हो, एक इस तरह का पोर्टल बनाना चाहिए जिस पे जाके आप कंप्लेंट करें और सरकार सीधा एक्शन मिले। वैसे तो ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए सरकार की, ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट है और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं और अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। बट फिर भी यदि ऐसा कोई केस सामने आता है तो एक इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए या कोई सिंगल ऑनलाइन नंबर होना चाहिए जिसमें कॉल करके पेरेंट्स शिकायत कर सकें। चलिए मैम, आपका बहुत धन्यवाद। ये थे एक्सपर्ट मीनाक्षी सोलंकी जो हमारे साथ बात कही थी। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चलती है उसके खिलाफ शिकायत कर सके। सरकार कार्रवाई करती है नहीं करती है तो बात की बात है, लेकिन जब जब कभी अन्याय हुआ है तो कोर्ट्स हमारे सामने आई है। कोरोना काल के अंदर कोर्ट्स का जो रुख रहा है वाकई काबिले तारीफ रहा है, और स्कूल्स को लेकर जो शिकायतें आ रही थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि कोरोना काल के दौरान वो पूरी फीस नहीं ले सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN News दिल्ली।